हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर प्लस वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसका जो मेन उद्देश्य है कि इंजीनियर प्लस एक जो उत्पाद है, अपनी एक लंबी जर्नी तय करते हुए अपनी जो गुणवत्ता है उसको सिद्ध करते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा है। और इस यात्रा के दौरान इंजीनियर प्लस कंपनी ने जो भी उपलब्धियां हासिल की है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो अवार्ड्स हैं, और हम लोगों ने जो भी सिस्टम डेवलप किए हैं कि वाटरप्रूफिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसको किस प्रोसीजर में हम लोग काम करते हैं, उन सब चीज़ों का हमने एक सिस्टम डेवलप किया है और उसके कोटेशन डेवलप किए हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक किताब बनाई है और उस किताब को हम लोग जो इंजीनियर प्लस परिवार है, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर बंधु हैं, हमारे डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे सम्मानीय ग्राहक हैं, उन सभी तक हम ये जानकारी प्रेषित करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि ये जो इंजीनियर प्लस की जो बुक है, इसका हमने नारा दिया है, आपका निर्माण अमर रहे। ये करीब 100 पेज की एक किताब है जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियां हमने संयोजित की है और ये सब जानकारी हम अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो किताब है, इसका जो फ्रंट पेज है जिसपे हमने दिया है आपका निर्माण अमर रहे, ये जो नारा है, ये नारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा हम लोगों ने, हमारा मतलब जो दिल से हमने हमारे उत्पाद के बारे में जो कंपनी ने सोचा है कि हर प्रोडक्ट गुणवत्ता में सर्वोत्तम स्थान पे हो और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो लॉन्गर लास्टिंग हो और जो भी वाटरप्रूफिंग के कार्य हो रहे हैं वो सालों साल चले, इसी भावना से सभी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है और इसी भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने ये नारा दिया है कि आपका निर्माण अमर रहे। सेकंडली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने नेशनल अवार्ड का एक लोगो लगाया है, तो कंपनी को हम ये बताना चाहेंगे कि नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और हम लोगों को दोनों क्षेत्र में नेशनल अवार्ड मिले हैं, प्रोडक्ट के R&D के लिए भी, प्लस हम लोगों ने जो एप्लीकेशन के कार्य किए हैं देश भर में, उसमें जो हमने हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं, हेरिटेज बिल्डिंगों की जो वाटरप्रूफिंग की है, उसके लिए भी हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज किया गया है। उसके अलावा ये जो इंजीनियर प्लस है, ये हमारा ब्रांड है कंपनी का और इंदौर कलर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है वो कंपनी का नाम है। तो इस प्रकार से ये फ्रंट पेज का मैंने आपको विश्लेषण किया है। इसमें जो सेकंड पेज है इस किताब का, वो है कंपनी प्रोफाइल, जिसमें पूरा बताया गया है कि कंपनी की शुरुआत किस प्रकार से हुई है और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और क्या क्या किस किस प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो सभी जानकारी हमने इस पेज पे दी है। देन जो नेक्स्ट पेज है उस पे कंपनी के जो MD साहब हैं, मिस्टर PC भंडारी जी, वो नेशनल अवार्ड ले रहे हैं, उसका हमने फोटोग्राफ्स इस किताब में लगाया है। देन नीचे जो कंपनी की R&D टीम है, जो इन हाउस हमारा R&D है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल दिया है। देन इस बुक का जो पेज नंबर 6 है, उस पे हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट लगाया है अमेरिकन स्टैंडर्ड का, ये जो सर्टिफिकेट है ये हमें अमेरिकन लेबोरेटरीज, अमेरिकन गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरी होती है कंस्ट्रक्शन केमिकल की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, उस डिपार्टमेंट से हम लोगों को इशू किया गया है। उन लोगों ने हमारा जो उत्पाद है KM99, उसका टेस्टिंग किया और उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड पे उसको उन्होंने ओके करके हमें सर्टिफिकेट इशू किया है। देन सेम इंडियन गवर्नमेंट का भी एक जो स्टैंडर्ड है, जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स है ISI, वो सर्टिफिकेट भी इंजीनियर प्लस के उत्पाद पे मिले हुए हैं और ये ISI सर्टिफिकेट है। देन इसके बाद हम लोग जो प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए,
उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है ISO 9000:2015 सर्टिफिकेट, वो भी सर्टिफिकेट हम लोगों ने इस किताब में इनकॉर्पोरेट किया है। देन एक एमपी गवर्नमेंट का जो PWD डिपार्टमेंट है, उन लोगों द्वारा भी जो हमारे उत्पाद कंपनी के इंजीनियर प्लस के जो उत्पाद हैं, उन लोग उनके सारे उत्पादों को टेस्ट करने के बाद अलग अलग कैटेगरी में जो MPPWD की मटेरियल लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मटेरियल, उसको उसके अंदर हम इंजीनियर प्लस को अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। पेंट, पुट्टी, प्राइमर्स, वाटरप्रूफिंग्स, इसी प्रकार टाइलिंग एडेसिव, सो ऐसी 10 कैटेगरी है जिसमें एमपी गवर्नमेंट ने इंजीनियर प्लस के प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। और इस जो सर्टिफिकेट है उसका इम्पोर्टेंस यह है कि जितने भी एमपी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, उन सभी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर प्लस के उत्पादों को उपयोग करता है तो वो माननीय है और इस तरह का ही सर्टिफिकेट है। देन एक ये जो पेज नंबर 13 है, इस पे कंप्लीटेशन एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो है, ये हमें वेस्टर्न रेलवे द्वारा दिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो भी कस्टमर्स हैं वो सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारे घर में जो काम हो रहा है, हमारे बिल्डिंग में, हमारे कंस्ट्रक्शन में जो भी वाटरप्रूफिंग का काम होगा, वो आप 5 साल की गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई में 5 साल चलेगा? तो उस बात को सत्यापित करने के लिए हम ये सर्टिफिकेट का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमें वेस्टर्न रेलवे की तरफ से मिला है, जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, और उन्होंने एक हमें प्रोजेक्ट दिया था जो कि 2008 में हम लोगों ने शुरू किया था और 2008 में हम लोगों ने कंप्लीट भी किया था, और करीब 40 रो हाउसेस का हम लोगों ने एक रेलवे कॉलोनी में वाटर प्रूफिंग किया था। तो उस प्रोजेक्ट का जो हम लोगों ने करीब 2014 में जब हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी निकाली, तो पाया गया कि हमारे द्वारा जो भी काम किया गया है वो काफी अच्छे से चला है, उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आया है। और ये चीज वेस्टर्न रेलवे के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने भी उसके लिए अपना एक्सेप्टेंस दिया है। और फिर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, हमारा जो काम हुआ है ये अगर आपको लगता है कि अच्छा हुआ है और इसकी जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? तो हमें वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने हमें बोला हमें बहुत खुशी होगी आपको सर्टिफिकेट देते हुए, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया था वो बहुत ही अच्छा रहा और हम आपके काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो ये सर्टिफिकेट काफी हमें महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है और प्रोडक्ट की गुणवत्ता को साबित करता है। इसके अलावा एक हमारा जो ये है वर्क ऑर्डर है, ये हमें इंडियन रेलवे का वर्क ऑर्डर है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वर्क ऑर्डर में जो इंडियन रेलवे ने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है और जो इंडेंट उन्होंने डेवलप किया है, उसमें इंजीनियर प्लस के सारे प्रोडक्ट्स जो वाटर प्रूफिंग में यूज होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए इस टेंडर को डिजाइन किया, और उनकी जो भी बिल्डिंग्स है उसमें उन्होंने इंजीनियर प्लस के उत्पादों से ही वाटर प्रूफिंग की है। तो ये इस तरह का एक वर्क ऑर्डर है, टेंडर है, जो कि इंडियन रेलवे ने इशू किया है। देन एज इट इज एक ऐसा वर्क ऑर्डर, ऐसा टेंडर एमपी गवर्नमेंट द्वारा भी डिजाइन किया गया है, जिसमें कि टेंडर आइटम के अंदर सारे प्रोडक्ट इंजीनियर प्लस के हैं, और जो इंजीनियर प्लस का वाटर प्रूफिंग सिस्टम है 7 लेयर 4 लेयर, इन वाटर प्रूफिंग सिस्टम की प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन प्रोडक्ट को ही इनकॉर्पोरेट करते हुए इस टेंडर को डिजाइन किया गया है, और कॉन्ट्रेक्टर्स को सिर्फ इंजीनियर प्लस के उत्पादों को उपयोग करते हुए ही बिल्डिंग को वाटर प्रूफिंग करनी है, इस तरीके का यह टेंडर है। आप देख सकते हैं कि इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटर प्रूफिंग का बारे में जानकारी दी गई है, और ये जो 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम है ये कंपनी का सबसे लोकप्रिय वाटर प्रूफिंग सिस्टम है, जिसका हम लोग परमानेंट एंड गारंटेड वाटर प्रूफिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं।
ये जो वाटरप्रूफिंग सिस्टम है पूरे देश में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और देश के बाहर भी विदेशों में भी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खास बात इस वाटरप्रूफिंग सिस्टम की यह है कि ये एक फुल प्रूफ वाटरप्रूफिंग सिस्टम है और बहुत रूट लेवल पे ये वाटरप्रूफिंग सिस्टम काम करता है और परमानेंटली किसी भी टेरेस को वाटरप्रूफ कर देता है। इस सिस्टम को हमने जो पूरा डिटेलिंग है इस पेज पे दिया है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट उपयोग में आते हैं, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, 7 लेयर वाटरप्रूफिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, और साथ ही साथ हमने इसमें यह भी बताया है कि 1000 स्क्वायर फीट की अगर छत है तो 7 लेयर कोटिंग में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में लगेगा, उसका भी चार्ट हमने इस पेज पर डिस्क्राइब किया है। पेज नंबर 17, इस पे आप देख पा रहे हैं कि एक हेरिटेज बिल्डिंग का फोटो है। ये जो पिक है ये वेस्टर्न रेलवे का प्रेजेंटली हेड ऑफिस है और इस बिल्डिंग को 1819 में ब्रिटिशियंस जो थे अंग्रेज उन लोगों द्वारा बनाया गया था। ये उन्हीं का डिजाइन है और 1889 में इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था और 2007 में इस बिल्डिंग को हम लोगों ने वाटरप्रूफ किया है। करीब 130 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये काफी प्रतिष्ठित बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है और इसको हम लोगों ने एक टेलर मेड वाटरप्रूफिंग सिस्टम जो कि पर्टिकुलर इसी बिल्डिंग को ध्यान में रख के कंपनी द्वारा डेवलप किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। और ये जो काम है इसमें मैंगलो टाइल लगी हुई है छत के ऊपर और मैंगलो टाइल के अंदर हम लोगों ने इस पर वाटरप्रूफिंग करके दिया है। ये वाटरप्रूफिंग एक बहुत ही प्रतिष्ठित वर्क ऑर्डर है कंपनी के लिए, इस बिल्डिंग की वाटरप्रूफिंग का कार्य। और साथ ही साथ एक और हेरिटेज बिल्डिंग है पेज नंबर 19 पे, ये प्रोजेक्ट है इंदौर का, गांधी हॉल के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी करीब 115 साल पुरानी बिल्डिंग है और उस पर भी इंजीनियर प्लस के उत्पादों द्वारा वाटरप्रूफिंग का कार्य किया गया है। पेज नंबर 21 पे आप देख पा रहे हैं एक सीआरपीएफ का प्रिमाइसेस है नीमच में, एमपी में। इसके अंदर एक मंदिर है और मंदिर की छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग का कार्य किया गया है और ये जो मंदिर की छत है इतनी ज्यादा डैमेज कंडीशन में थी कि जब हम लोगों ने इस पे कार्य किया तो अगर आप किसी भी नुकीली चीज से छत के ऊपर हल्का सा भी अगर स्क्रेच करते हैं तो वो चीज पूरी अंदर तक गड़ जाती है, इतनी कमजोर अवस्था में छत थी। और इस छत को इंजीनियर प्लस के उत्पादों द्वारा एज इट इज कंडीशन में वाटरप्रूफिंग करके दिया, तो ये भी काफी सक्सेसफुल रहा था और इसके लिए भी हमें एक एप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है। ये पेज नंबर 23 है, इसके अंदर हम लोगों ने एक ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट है, वो भी इंदौर में लोकेटेड है एमपी में, और करीब 350 रो हाउसेस का ये प्रोजेक्ट है और 7 अपार्टमेंट फ्लोर्स हैं जिसमें सभी संकन पोर्शंस, बालकनी, टेरेसेस, सभी प्रीमाइसेस में, सारे बिल्डिंग्स में, करीब 350 रो हाउसेस में इंजीनियर प्लस के 7 लेयर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। एक ये प्रोजेक्ट है कमिंस टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए की कंपनी है, पेज नंबर 24 पे हम लोगों ने इसमें हाईलाइट किया है। इसके ऊपर टीन शेड का प्रयोग किया गया है और टीन शेड के जो जे हुक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, बाउंड्रीज होती है जहां से पानी जाता है, उन सभी जगह पे एक स्पेशल सिस्टम डेवलप करके उस पर इंजीनियर प्लस के प्रोडक्ट लगा के इसको वाटरप्रूफ किया गया है। पेज नंबर 30 जहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 4 लेयर टेक्नोलॉजी जो है हमारी इंजीनियर प्लस 4 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इसमें जैसे 7 लेयर कोटिंग जो प्रीमियम क्वालिटी वाटरप्रूफिंग होती है, जहां जो बिल्डिंग ज्यादा डैमेजेस होती है या जहां ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उन कंडीशन में हम 7 लेयर प्रिस्क्राइब करते हैं।
लेकिन जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उसे ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन इकोनॉमिकली उसका काम हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर 4-layer वाटरप्रूफिंग सिस्टम डेवलप किया है। और ये भी 7-layer से मिलता जुलता ही सिस्टम है, लेकिन इसमें फाइबर मेश का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस सिस्टम से किए गए वाटरप्रूफिंग के कार्य भी कुछ पिक्स हमने इस प्रोजेक्ट इस बुक में दिखाए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि काम करने के पहले कैसे छत पानी को अब्सॉर्ब कर रही है और काम करने के बाद पानी छत पर टिक नहीं पा रहा है। पानी के जैसे प्लास्टिक की थैली के ऊपर पानी जिस प्रकार से पोर होता है ठीक उसी प्रकार छत के ऊपर भी पानी पोरिंग हो रहा है। पेज नंबर 34 पे वाटरप्रूफिंग ऑन द साइड वॉल 4-layer। तो सभी कंस्ट्रक्शन में वॉल्स पे भी लीकेजेस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वॉल्स की वाटरप्रूफिंग के लिए भी हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है और इसके लिए हम 4-layer वाटरप्रूफिंग सिस्टम सजेस्ट करते हैं वॉल्स की वाटरप्रूफिंग के लिए। जनरली मार्केट में लोग बोलते हैं कि पेंट के थ्रू वाटरप्रूफिंग हो जाती है, लेकिन वो जो वाटरप्रूफिंग पेंट अब मार्केट में अभी चलन में है और उसके थ्रू जो वाटरप्रूफिंग होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी कम होती है और कई बार तो वो एक या दो बारिश भी नहीं निकाल पाती है। तो पेंट के थ्रू वाटरप्रूफिंग के लिए इंजीनियर प्लस जो कंपनी है उनका ये मानना है कि जो रिजल्ट हम लोगों ने देखे हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट अप्लाई हो रहे हैं उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ पाए हैं, तो इंजीनियर प्लस 4-layer सिस्टम जो है वो एक फुल प्रूफ सिस्टम है और कंपनी इस सिस्टम के थ्रू कई बिल्डिंगों में काम कर चुकी है और वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिले हैं। तो 4-layer वाटरप्रूफिंग जो वॉल्स के लिए है इस पर भी कंपनी पे द्वारा 5 साल की गारंटी दी जा रही है और इसके जो प्रोसीजर है वो हम लोगों ने इस बुक में दिखाया गया है कि किस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। और आफ्टरवर्ड जो आप देख पा रहे हैं कि कारपोरेट बिल्डिंग में कारपोरेट ऑफिस में हम लोगों ने जो वाटरप्रूफिंग का कार्य किया है उसका पिक भी हमने इसमें लगाया है साइड वॉल पे वाटरप्रूफिंग का। इसकी वाटरप्रूफिंग ग्रे कलर की होती है साइड वॉल पे और इसके ऊपर हम चाहे तो किसी भी प्रकार का पेंट वाटरप्रूफिंग के बाद कर सकते हैं। पेज नंबर 39 इस पेज पे हम लोगों ने टाइल के ऊपर कैसे वाटरप्रूफिंग की जाती है उस प्रोसीजर को इसमें दिखाया गया है। टाइल वाटरप्रूफिंग के अंदर एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि टाइल के नीचे काफी एयर डेवलप हो जाती है और टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि अंदर जो एयर डेवलप हो गई है उसको क्लियर करने के लिए उसको खत्म करने के लिए इंजेक्शन ग्राउटिंग का कंपनी सजेस्ट करती है। उसके लिए 1 meter की गैप पे इंजेक्शन ग्राउटिंग की जाती है, उसके लिए ड्रिल मशीन की मदद से होल किया जाता है और नोजल्स उसमें लगा के फिर ग्राउटिंग पंप से उसमें केमिकल और सीमेंट स्लरी बना के उसमें इंजेक्ट किया जाता है मटेरियल को, ताकि अंदर जो एयर है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाए और पूरा कोलापन उसका खत्म हो जाए और टाइल्स के नीचे जो भी सरफेस है वो इतनी मजबूत हो जाए कि उसमें पानी घुस न पाए, तो उसके लिए इंजेक्शन ग्राउटिंग जरूरी है। इंजेक्शन ग्राउटिंग कंप्लीट होने के बाद जितने भी टाइल्स के जॉइंट्स हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में केमिकल को पेंटिंग ब्रश से अप्लाई किया जाता है और जब तक उस गैप को क्लियर नहीं हो जाता है चाहे उसके लिए 2-3 या 4 भी केमिकल को अप्लाई करना पड़े उस गैप में केमिकल को पिलाया जाता है, सक करवाया जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स फिर उसके बाद उस गैप के अंदर कुछ पेस्ट फॉर्म का मटेरियल फिल करके उस गैप को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाता है। तो ये टाइल को वाटरप्रूफ करने का प्रोसीजर है। पेज नंबर 40 जिसपे वाटरप्रूफिंग कोटिंग का जो है जीपुआ करके एक प्रोडक्ट है इंजीनियर प्लस कंपनी का, जो कि सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, पॉलीयुरेथेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मॉडिफाइड पॉलीयुरेथेन कोटिंग है, इसको डेकोरेटिव कोटिंग के रूप में भी जाना जाता है। उसका जो वाटरप्रूफिंग सिस्टम है वो 7-layer कोटिंग के जो 5 layers होते हैं उसको तो अप्लाई करना ही होता है, उसके बाद लास्ट के जो 2 coats होते हैं उसमें जो लेमिनेशन होता है 7-layer कोटिंग को उसको रिप्लेस करके ये जो मॉडिफाइड जीपुआ प्रोडक्ट है पॉलीयुरेथेन बेस्ड उसको अप्लाई किया जाता है और कुछ इस प्रकार से फिनिश आता है टेरेस का, इसको डेकोरेटिव कोटिंग के रूप में भी हम लोग जानते हैं।
तो इसमें आप एक कंपनी का शेड कार्ड होता है, उसमें कुछ 12 से 15 कलर होते हैं, उन कलर में आप इस अपने टेरेस को वाटरप्रूफ करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, इसमें ज्वाइंट नहीं होता है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उनकी छत सुंदर दिखे और उसी चाहत में छत पे लोग टाइल लगवाते हैं। लेकिन टाइल लगाने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हर टाइल का अपना एक ज्वाइंट होता है, और आप सपोज कीजिए कि आपका 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट का टेरेस है और उसमें आपने टाइल लगाया है, तो करीब नंबर्स ऑफ जॉइंट्स उसमें रहेंगे। और जब बारिश होती है तो होता क्या है कि जब टाइल्स के जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं तो बारिश का पानी इन जॉइंट्स में से अंदर जाता है और पता नहीं लगता कि पानी घुस कहाँ से रहा है और टपक कहाँ पे रहा है। तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए कंपनी ने डेकोरेटिव कोटिंग के लिए ये पॉलीयुरेथेन कोटिंग, मॉडिफाइड पॉलीयुरेथेन कोटिंग जिपुआ के रूप में प्रेजेंट की है, और इस प्रकार से आप छत को सुंदर भी बना सकते हैं और जो आपकी टाइल लगाने से सुंदरता आती है उससे भी अधिक सुंदरता इस प्रोडक्ट को लगाने से आती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जॉइंट नहीं है तो लीकेज होने की संभावना पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। पेज नंबर 48, इसमें हीट प्रूफिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। ये जो कोटेशन है हीट प्रूफिंग प्रोसीजर है, हीट प्रूफिंग के लिए। हीट प्रूफिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको जिस सरफेस पर अप्लाई किया जाता है वो सतह ठंडी रहती है और टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करती है। तो इसे हम लोग मंदिरों के पाथवे पे, जहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं, या जिस रास्ते पे चल के श्रद्धालु मंदिर में अंदर जाते हैं उस रास्ते पे लगाया जाता है, उसके लिए भी हीट प्रूफिंग को अपनाया जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो मंदिर है, महाकाल मंदिर का फोटो है, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। इसकी प्रतिष्ठा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में से लोग इसमें दर्शन करने आते हैं इस मंदिर में। और ये इतना प्रतिष्ठित जगह पे इंजीनियर प्लस के उत्पादों को ट्रायल लेने के बाद पूरे मंदिर के प्रमाइसेस में लगाया गया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनके द्वारा डिक्लेयर किए गए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि मंदिर के प्रमाइसेस में इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा इस उत्पाद को बंगलों की छतों के ऊपर भी लगाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में। जो हमारे साधारण मकान होते हैं 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट के, उसमें भी अप्लाई किया जाता है गर्मी को रोकने के लिए। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पानी की टंकी, जैसा सिंटेक्स वाटर टैंक या एनी किसी भी ब्रांड का वाटर टैंक हो, जो काले कलर के वाटर टैंक होते हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में, मतलब जब हम उस पानी को उपयोग करते हैं तो पानी हम उपयोग भी नहीं कर पाते, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है। उन पानी की टंकियों पर अगर हम इस उत्पाद को लगाते हैं तो बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पानी की 85% तक पानी की गर्माहट कम हो जाती है, ऐसे हमें कस्टमर फीडबैक मिले हुए हैं। साथ ही साथ इस उत्पाद को आप टीन शेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, पत्रों के ऊपर, जैसे रेस्टोरेंट्स है या फिर ऐसे जो भी प्रमाइसेस है जहाँ पे पत्रों का उपयोग किया गया है वहां पे भी आप टीन शेड पे इसको लगा सकते हैं। और टीन शेड पे इसके रिजल्ट आप देखेंगे कि करीब 15 डिग्री तक का फर्क आ जाता है टीन शेड के ऊपर इसको लगाने से। तो ये बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहां पे इसके लगाना अति आवश्यक हो जाता है। पेज नंबर 54 पे हम लोगों ने जो प्रोसीजर दिया है उसमें वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग दोनों एक साथ, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसका प्रोसीजर का एक कोटेशन हमने यहाँ पे लगाया है, मटेरियल कंजम्पशन, कि किस प्रकार से कौन सा केमिकल कितना क्वांटिटी में लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में। अब उसी प्रकार हमने उसके पिक्स भी लगाए हुए हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग दोनों एक साथ होंगे तो उसका किस प्रकार से लुक आएगा, किस प्रकार का फील आएगा, उसके पिक्स भी हमने इस किताब में लगाए हुए हैं। ये जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं ये इंदौर की बिल्डिंग है और काफी प्रतिष्ठित जगह है, जिसको लोग यशवंत क्लब के नाम से जानते हैं। यहाँ शहर के जो भी नामी प्रतिष्ठित लोग हैं इस क्लब के मेंबर होते हैं, और ये भी इंजीनियर प्लस का, ये जो यशवंत क्लब है ये इंजीनियर प्लस का कस्टमर है, और कई सालों से ये अपने जगह जगह जहाँ भी इन्हें रिक्वायरमेंट होती है वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग की, सिर्फ इंजीनियर प्लस के उत्पाद ही ये लोग प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा ये फोटोग्राफ भी आप देख पा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग दोनों एक साथ की है, जिसमें ऊपर एक पिक जो है
उसमें आप देख रहे हैं कि ग्रे कलर का केमिकल कोटिंग किया हुआ है, जो कि वाटरप्रूफिंग के पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ है। और जब वाटरप्रूफिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हम लोगों ने उसी छत के ऊपर फिर हीट प्रूफिंग केमिकल अप्लाई किया है, जो कि फिर बाद में सफेद कलर की दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार वाटरप्रूफिंग और उसके बाद फिर हीट प्रूफिंग दोनों को एक साथ किया गया है। ये कॉलेज है मालवा, MIST कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और इसमें करीब 45,000 स्क्वायर फीट एरिया में वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग केमिकल कोटिंग की गई है। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार की बिल्डिंग हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिसेस हो, फैक्ट्री हो, अगर वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग की आवश्यकता है तो दोनों एक साथ भी किया जा सकता है। पेज नंबर 60 पे वाटर प्रूफिंग ऑन टेरेस विथ वाटर प्रूफ ड्राई पाउडर। ये जो वाटर प्रूफ ड्राई पाउडर के साथ जो वाटर प्रूफिंग है, ये एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें टेरेस का कलर व्हाइट कलर का होता है, और अगर किसी को इकोनॉमिक मोड में हीट प्रूफिंग करानी है, वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग एक साथ करानी है, तो वाटर प्रूफ ड्राई पाउडर से किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा उत्पाद है, और इसमें भी जो टेरेस का कलर होता है क्रीम कलर का होता है, और ये भी गर्मी के दिनों में हमें गर्मी से बचाए रखती है। और जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि हमें अधिक खर्चा नहीं करना है और वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग के रिजल्ट दोनों चाहते हैं, तो आप इस वाटर प्रूफ ड्राई पाउडर के साथ अपने वाटर प्रूफिंग का कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ पिक्स यहाँ पे शेयर किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक करीब 40,000 स्क्वायर फीट एरिया है, ये बिल्डिंग है आपका नर्मदा भवन, जो कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है और MP गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, जो कि भोपाल में एस्टेब्लिश है। इस पे हमने वाटरप्रूफ ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया है, और ये सेम उसी प्रकार होता है जैसे 4-लेयर कोटिंग होता है, और इसे हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, 7-लेयर के थ्रू भी कर सकते हैं और 4-लेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे टॉप कोट होता है उसमें लेमिनेशन कोटिंग, 2 कोट की जगह 1 ही कोट अप्लाई किया जाता है, क्योंकि उसमें पानी का उपयोग नहीं होता है। पेज नंबर 64, PSS कंस्ट्रक्शन जॉइंट। PSS एक मॉडिफाइड इपॉक्सी होती है, जो कि जो बड़े क्रैक्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, एक्सपांशन जॉइंट्स, कॉमन वॉल जॉइंट्स या एनी स्ट्रक्चरल क्रैक्स, जो कि 10 mm या 10 mm से बड़े गैप होते हैं, उनको फिल करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रोसीजर हमने यहाँ पे दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो भी क्रैक्स होते हैं उसमें हमें इस प्रोडक्ट को जब हम लगाते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है, कि जितना उसका विड्थ होता है उससे डबल डेप्थ में हमें प्रोडक्ट को फिल करना होता है। तो उसका एक चार्ट हम लोगों ने इसमें शेयर किया हुआ है कि कितने रनिंग फिट के केक में प्रोडक्ट कंजम्पशन क्या रहेगा, साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है अप्लाई होने के बाद किस प्रकार से दिखता है, उसके भी पिक्स हम लोगों ने यहाँ पे इस किताब में दिखाए हैं। पेज नंबर 67 में हम लोगों ने एक डिस्पेंस डिपार्टमेंट का पिक दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो वियर हाउस है, गोडाउन है, उसमें फिनिश गुड सेक्शन होता है, जहाँ पे सभी उत्पाद निर्माण होने के बाद कंपनी के गोडाउन पे क्वांटिटी वाइज कार्टून में जमा दिए जाते हैं। और जब आप लोग या जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों को ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अगर बड़ी क्वांटिटी में वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम पूरा ट्रक लोड से मटेरियल आपके डायरेक्ट फैक्ट्री से या कंपनी के वेयर हाउस से सीधे आपके गोडाउन पे पहुंचा देते हैं। उससे आपको ये फायदा होता है कि कम से कम समय में हम लोग आपको मटेरियल उपलब्ध करा पाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी काफी कम हो जाते हैं। पेज नंबर 75 पे जो हम लोगों का 7-लेयर कोटिंग का जो वाटर प्रूफिंग होता है, उसके कम्प्लीट होने के बाद जब हम छत पे पानी डालते हैं तो जो इफेक्ट आते हैं उसको हमने दिखाया है। ये आप देख पा रहे हैं कि काम जो वाटरप्रूफिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद जब पानी छत के ऊपर हमने स्प्रेड किया तो किस प्रकार से पानी फैल गया है, छत के द्वारा सरफेस के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, तो ये इफेक्ट आप देख सकते हैं। पेज नंबर 84 पे हम लोगों ने
प्रिंट मीडिया कवरेज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी अखबारों की कटिंग का पिक लगाया गया है और देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, आज, नई दुनिया, हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई तमाम अखबार जो कि पूरे देश भर में अपना प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, उन सभी अखबारों ने इंजीनियर प्लस के उत्पादों को अपने कवरेज में शामिल किया है। इसकी गुणवत्ता को उन्होंने जनता तक पहुंचाया है। इसके बारे में कि प्रेस कवरेज समय समय पर पूरे देश में लगते रहते हैं। पेज नंबर 85 पे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक सर्टिफिकेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, उन लोगों द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया गया है अप्रिसिएशन का। वो सर्टिफिकेट हम लोगों ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया किताब में। साथ ही साथ ऐसे कई टेस्टोमोनियल्स हैं जो कि हमारे कस्टमर्स द्वारा हमें लेटर द्वारा दिए गए हैं। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कॉन्ट्रेक्टर्स, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उन लोगों ने भी हमें पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू हमें कई सारे टेस्टोमोनियल्स दिए हैं। उन सबको भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है और वो भी आप इसमें देख पाएंगे। पेज नंबर 89 पे कमिंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड वर्क ऑर्डर, आप देख सकते हैं कि ये वर्क ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को। वर्क ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी संस्था द्वारा किसी काम का आपको सहमति दी गई है और एक रेट अप्रूव किया गया है कि आपको इस रेट पे हमारे प्रतिष्ठान में, हमारी संस्था में काम करना है। तो इस प्रकार के तमाम वर्क ऑर्डर्स कंपनी को मिले हुए हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं से, जैसे टाटा मोटर्स है, उसके अलावा शक्ति पंप, दैनिक भास्कर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, ये सभी वर्क ऑर्डर्स हमने इस किताब में इनकॉर्पोरेट किए हैं। ये एक वर्क ऑर्डर है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा इस्कॉन, ये भी काफी प्रतिष्ठित मंदिरों की श्रृंखला है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इस्कॉन का नाम आपने भी सुना होगा, तो ये इस्कॉन ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपने कई मंदिरों में इंजीनियर प्लस के उत्पादों को वाटरप्रूफिंग के लिए चुना है। पेज नंबर 97 पे आइको एनुअल मीटिंग, कंपनी के एनुअल मीटिंग के फोटोग्राफ्स हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो भी देश भर में इंजीनियर प्लस के जितने भी सेल्स टीम हैं उनकी जो एनुअल मीटिंग होती है उसके फोटोग्राफ्स इसमें हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। एनुअल मीटिंग के अंतर्गत कंपनी के जितने सेल्समैन देश भर में होते हैं वो सभी जगह एक ही जगह एकत्रित होते हैं और उसके बाद अपने साल भर का लेखा जोखा, जो उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में चर्चा होती है और आगामी वर्षों के में कंपनी किस दिशा में काम करेगी, जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा होती है। तो ये कंपनी की एनुअल मीटिंग हर साल होती है किसी न किसी शहर में। पेज नंबर 98 पे हम लोगों ने जो कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है उसको शो किया है। इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट, वाटर प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग, रिपेयरिंग, सारे प्रोडक्ट जो कि कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं उनके फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं। इसके अंदर रिपेयरिंग मोटर एडिटिव्स, हीट प्रूफिंग कंपाउंड, क्रैक रिपेयरिंग सिस्टम्स, फाइबर मेश, वाटर प्रूफ ड्राई पाउडर, क्लीनिंग सॉल्यूशंस, वाटर रिपेलेंट एंड सीलेंट्स, यूवी रेजिस्टेंस कोटिंग, इपॉक्सी एंड PU फ्लोरिंग्स, ये सभी प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। पेज नंबर 99 पे जो हमारा नेटवर्क है देश भर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो इंजीनियर प्लस के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो देश भर में फैले हुए हैं, उन सभी का हम लोगों ने एक इंडिकेट किया गया है एक मार्क के थ्रू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी हमारा जो नेटवर्क है उसके बारे में भी हम लोगों ने, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, 7 देशों में जो हमारा मटेरियल जाता है, जैसे
मैक्सिको, घाना, युगांडा, दुबई, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे तमाम जगह जहाँ इंडिया के बाहर भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं उसकी भी जानकारी हमने इसमें दी है। पेज नंबर 100 पे हम लोगों ने जो हमारे एस्टिम्ड क्लाइंट्स हैं उनके सभी लोगों हम लोगों ने कैरी किए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडियन रेलवे, MPPWD, इंडियन आर्मी, टाटा मोटर्स, NTPC, इस्कॉन टेम्पल्स, आनंद जी कल्याण जी, दैनिक भास्कर, शक्ति पंप्स, ऐसे तमाम जो बड़े क्लाइंट्स हैं उन सभी के लोगों हम लोगों ने इस पेज पे दिखाए हैं। और इसके अलावा भी कई बड़ी श्रृंखला है जो हमने यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत लंबी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हमारे एस्टिम्ड क्लाइंट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है और आपके सहयोग से दिन दिन बढ़ती जा रही है।